अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 लाइट इन द नाइट की एक्सरसाइज A1 करेंगे, जिसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर स्ट्रीट लैंप्स वर इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स एंड व्हाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस। यानी इसका आंसर का, इस क्वेश्चन का ये ट्रांसलेशन है कि बिफोर स्ट्रीट लैंप्स वर इंट्रोड्यूस, यानी कि स्ट्रीट लैंप्स इंट्रोड्यूस होने से पहले, मुतारिफ होने से पहले, व्हाट डिड पीपल डू ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट, यानी जब बादल नहीं हुआ करते थे, जब चांद की रोशनी हुआ करती तब लोग क्या किया करते थे, क्यों इसका जो है वो ऐसे वेदर कंडीशन का वेट किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जो है लोग मूनलाइट का और जो क्लाउडलेस नाइट का इसलिए वेट किया करते थे ताकि लोग जो है वो सोशलाइज कर सकें और जो है वो बाहर निकल सके अपने घरों से। तो फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ। द आंसर इज द पीपल यूज टू गो आउट टू सोशलाइज। एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए लोग जो हैं वो बाहर निकलते थे। The people used to go outside to socialize and they had to wait for such, अब यहां पे weather भी लिख सकते हैं और conditions भी लिख सकते हैं, ठीक है student, for such weather conditions because there were no street lamps to enlighten the streets यानी कि उस वक्त जो थे स्ट्रीट लैम्प्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो है गलियों को रोशन किया जा सके। इस वजह से उनको इस तरह की वेदर कंडीशंस का इंतजार करना पड़ता था, जब चांद रात जो मतलब जब बिना बादलों के आसमान होता था या चांद की रोशनी हुआ करती थी, ठीक है। तो आंसर क्या है, द पीपल यूज टू गो आउट टू सोशलाइज एंड दे हैड टू वेट फॉर सच वेदर कंडीशंस बिकॉज देयर वर नो स्ट्रीट लैम्प्स टू एनलाइटन द स्ट्रीट्स। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, बहुत बहुत ईजी है, आप इसको इजिली लर्न कर सकते हैं। आफ्टर डेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस इफ दे वेंट आउट एट नाइट। यानी कि स्ट्रीट लैम्प से पहले जो है लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो हम लिखेंगे दे कुड ट्रिप फॉल। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब कुड यूज होता है, मॉडल वर्ड यूज होता है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। कुड जो है वो पास्ट एक्शन को शो करता है, वो गिर सकते थे, फिसल सकते थे, फंस सकते थे किसी चीज में, दे कुड ट्रिप फॉल इंजर इंजर देमसेल्व्स, ठीक है। दे है तो देमसेल्व्स होगा, दे कुड ट्रिप फॉल इंजर देमसेल्व्स और अटैक्ड बाय क्रिमिनल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वर लिंक बॉयज एंड व्हाट डिड दे डू। लिंक बॉयज कौन थे, अच्छा लिंक बॉयज क्या होता है,
लिंग बॉल्स यानी कि जो बर्निंग टोच को जो कैरियर करते जो कैरी करते हैं, जो बर्निंग टोच कैरियर्स होते हैं या उनके हाथ में टॉर्च या लैंप्स होते हैं वो लिंक बॉयज कहलाते हैं। जिस तरह से लैंप लाइटर्स होते हैं, लैंप लाइटर्स का काम क्या होता है कि गलियों में जितने भी लैंप्स हैं घरों के बाहर उनकी उनको जो है उनको लुक आफ्टर करना, उनको जो है चेक करना ताकि वो कहीं खराब ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो वो लैंप लाइटर्स का काम था। लेकिन जो लिंक बॉय थे उस वक्त जो थी, चूंकि जब लंदन में स्ट्रीट लैंप्स नहीं थे तो उससे पहले लिंक बॉयज थे। लिंक बॉयज का क्या काम था, जो कि हाथ में जलती हुई जो शमा थी या जलती हुई मशाल को साथ लिए लोगों के आगे जो है वो चला करते थे। कुछ जो थे वो डिसऑनेस्ट थे, कुछ जो थे वो ऑनेस्ट थे। तो हमारे पास यहां क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द लिंक बॉयज वर यंग मैन। एक के लिए हम मैन यूज करते हैं और मोर देन वन के लिए हम मैन यूज करते हैं, ठीक है। अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वो मैन लिखने के साथ एस बी एड कर देते हैं। ऑलरेडी जो है हमारे पास मैन को हमने मैन में चेंज किया तो हमने ई यूज किया, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो हम एस एड नहीं करेंगे। इसी तरह बच्चे चाइल्ड हैं तो चिल्ड्रन जब लिखते हैं तो उसके आगे भी चिल्ड्रन के बाद भी एस एड कर देते हैं, तो ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज इसको जरा आप नोटिस करेंगे, जिन बच्चों की नॉलेज में नहीं है उनके लिए एक जो है उनकी नॉलेज में आ जाएगा। द लिंक बॉयज वर यंग मैन हु वर्क। अच्छा, अभी एक्शन क्योंकि पास्ट का है, एक्शन जो है वो गुजर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, द लिंक बॉयज वर यंग मैन हु वर्क for a small fee, ठीक है। holding the burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way, easily, ठीक है। जब उनको बाहर जाना होता था तो वो क्या करते थे, वो लिंक बॉयज को बुलाते थे, लिंक बॉयज को अपने साथ रखते थे ताकि वो कहीं जो है बाहर जा सकें, ठीक है। लंदन के पीपल, लंदन के जो लोग थे वो स्ट्रीट लैंप से पहले लिंक बॉयज की जो है वो सर्विसेज लिया करते थे। तो इसका आंसर है द लिंक बॉयज वर यंग मैन हु वर्क फॉर अ स्मॉल फी होल्डिंग द बर्निंग टॉर्च और लैंप अहेड ऑफ पीपल सो दैट दे कुड सी द वे इजिली, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड द वर्क ऑफ अ लैंप लाइटर इन्वॉल्व। अब लैंप लाइटर जो कि मैं इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लैंप लाइटर्स कौन थे जिनका काम जो होता था लैंप्स को लुक आफ्टर करना, लैंप्स की जो है वो हिफाजत करना, लैंप्स को चेक करना। ओके स्टूडेंट्स, तो डी का आंसर क्या है, द लैंप लाइटर्स यूज टू चेक क्लीन फिक्स लिट लिट यानी कि जलाना एंड पुट आउट द लैंप्स, ठीक है। ये जो था काम हुआ करता था लैंप लाइटर्स का। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो है 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको लिख के बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रफली हाउ मेनी गैस लैंप्स आर देयर इन लंदन टुडे। आज जो है लंदन में कितने गैस लैंप्स हैं, तो इसका आंसर होगा देयर आर 1500 गैस लैंप्स। देयर आर 1500 गैस लैंप्स आर टुडे इन लंदन। ओके स्टूडेंट, कितने गैस लैंप्स हैं, 1500 गैस लैंप्स हैं आज अब जो है लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैंप्स टुडे, के जो है कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं लैंप्स के लिए। तो हम लिखेंगे
the five people are employed. Next है G. What were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? क्या थे early oil lamps की क्या problem थी? हम लिखेंगे the oil lamps often dripped टपकते थे ठीक है and had an unpleasant smell उनसे जो है वो unpleasant smell आया करती थी ठीक है जब वो जल जाया करते थे विक्स की स्मेल होती थी जो बत्तियां थी उनके अंदर जलती ठीक है उसके बाद एच है व्हाट वाज डेंजरस अबाउट द गैस लैंप्स दैट वर इंट्रोड्यूस इन द 1800s के गैस लैंप्स की यानी कि व्हाट वाज डेंजरस के अबाउट द गैस लैंप्स जब वो 1800s में जब उनको इंट्रोड्यूस करवाए यानी तो ऑयल लैंप्स के बाद उनमें क्या प्रॉब्लम होती थी तो वो अक्सर जो थे वो फट जाया करते थे तो हम लिखेंगे दे वुड ब्लो अप नाउ एंड देन यानी idiom है कभी कभार वो जो है फट जाया करते थे आफ्टर दैट वी हैव व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स तो हम यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स ओके स्टूडेंट्स तो ये हमारा एक्सरसाइज A1 का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आज तक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए नेक्स्ट हमारे पास है दीज क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट डिस्कस देम फर्स्ट कि इनको जो है पहले जो है डिस्कस करना है उसमें क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से वाज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीट लैंप्स यानी कि वो जब लंदन में आया तो उसका क्या इफेक्ट था किस तरह से उसको जो है वो दिखाई दिया था लंदन तो हम यहां करेंगे ही सेड दैट द सिटी हैज He said that the city has the appearance of a festive illumination. ओके स्टूडेंट्स तो क्या आंसर है ही सेड दैट द सिटी हैज द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन इसका मतलब ये है कि जो था किस तरह से जब स्ट्रीट लैंप्स आ गए लंदन में तो आम दिनों में भी ऐसा लगता था कि जैसे कि वहां पर कहीं किसी त्यौहार का चरागा किया गया हो चरागा मतलब कि लाइट्स वगैरह लगाई गई हो किसी त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए ओके स्टूडेंट तो लास्ट हमारे पास है चीप How did the introduction of gas lamps change the work of a lamp lighter? यानी किस तरह से गैस लैंप्स ने
ऑयल लैम्प्स की जगह ले ली, और यहाँ पर क्या है कि चेंज द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर, किस तरह से जो है लैम्प लाइटर्स का काम जो है वो चेंज कर दिया था, बदल के रख दिया था। तो हम यहाँ लिखेंगे द गैस लैम्प्स वर क्विकर टू लाइट, यानी कि गैस लैम्प को जलाना बड़ा इजी होता था, एंड दे डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स। ऑयल लैम्प्स की तरह उनका काम नहीं होता था, दे डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क, के बहुत ज्यादा काम जो था ऑयल लैम्प्स की तरह नहीं हुआ करता था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज A1 थी जिसमें क्वेश्चन आंसर थे, A2 K तक हमारे पास क्वेश्चंस थे जिनको हमने आंसर करना था। ठीक है, ये इनके आंसर थे, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।